Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our chapter number 5 from the book Moments and the name of the chapter is The Happy Prince. This chapter, this story is written by Oscar Wilde. Before I start with the story, I would like to give a brief introduction to the chapter. It's a story of a prince who remained happy as long as he lived but when he died and his statue was made on a square he saw that the people were in the misery they were suffering they were dying with hunger and they had many of the things that they needed so with the help of swallow he helped the needy people and gave away all the gold or all the precious stones that he was having on his statue. So, let us start reading the chapter and know more about it. The happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold, he had sapphire for eyes, and a ruby in his sword. सो so, बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू था क्योंकि उसकी पूरी जो बॉडी थी बनाई हुई थी वो सारा गोल्ड के साथ कवर्ड था और उसकी आँखों में सफ़ायर सफ़ायर जो एक बहुत प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो लगे हुए थे एंड रूबी इन्हें स्वर्ड और इन स्वोर्ड। उसकी स्वर्ड में रूबी लगी हुई थी वो बट उनके साथ अलग होना चाहता था सो वाई डिड यू वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही एड एंड द दीशियस स्टोन्स अब उन सभी चीज़ों से अलग क्यों होना चाहता था वाई रीडिंग थ्रू द चैप्टर वी विल एक नॉलेज हाई द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस सिटी के बहुत ऊपर यू कैन सी ओवर हियर वहाँ पे एक स्टैचू था टॉल कॉलम के ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ था ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ थिन लेव्स ओ फाइन गोल्ड तो अच्छे गोल्ड के पतले पतले पत्तों के साथ उसकी पूरी बॉडी कवर की हुई थी ठीक है ग्लाइडेड मीन्स कवर तो उसकी पूरी बॉडी जो थी वो किसके साथ कवर थी गोल्ड के लीव्स के साथ ठीक है अच्छे गोल्ड के एंड फोर आइज़ ही हैव टू ब्राइट सफ़ायर्स उसकी आँखों में ब्राइट सफ़ायर्स लगे हुए थे एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वोर्ड हिल्ट स्वर्ड हिल्ट क्या होती है जो उसका हैंडल होता है इफ़ यू रिमेंबर कि आपकी स्वर्ड ऐसी होती है ठीक है तो नीचे से ऐसे स्वर्ड शुरू होती है तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये वाला जो उसको पकड़ने के लिए बनाया होता है इसको स्वर्ड हिल्ट बोलते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर रूबी लगी हुई थी ठीक है

अब एक रात क्या हुआ एक स्वेलो वहाँ सिटी के ऊपर से जा रही थी हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट सिक्स वीक्स और बिफोर बट उसके जो फ्रेंड्स थे वो तो छः हमें हफ्ते पहले ही इजिप्ट चले गए थे बट ही हैड स्टेड बिहाइंड मगर वो पीछे रुका रहा वो नहीं गई अभी तक देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट अब उसने सोचा कि मैं भी इजिप्ट चली जाती हूँ ठीक है देन ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू सारा दिन and at night he arrived at the city. वो उड़ता रहा एंड एट नाइट ही अराइव एट द सिटी रात के टाइम पर वो अब इस सिटी में पहुँच गया वैश्ल आई पुट ऑफ पुट ऑफ मीन्स रेस्ट करना कि रात के लिए कहाँ रुकूँ ही सैड आई होप द टाउन हाज मेड प्रिप्रेशंस और वही सिंह कि मुझे लगता है कि जो टाउन है मतलब शहर में अब सभी सो गए होंगे सभी ने अपने घर बंद कर लिए होंगे एंड देन ही सौदा स्टैचू होता टॉल कॉलम तब उसने एक स्टैचू देखा जो कि एक टॉल कॉलम पर बना हुआ था हेयर यू कैन सी बचे हेयर इज द कॉलम दिस पार्ट इज द कॉलम ठीक है आई विल पुट अप दैर तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे सो जाऊँगा इस कॉलम के ऊपर ही क्राइड इट्स अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर तो यहाँ पे कहता है मैं जब यहाँ पर पहुँच सोंगा तो ये ऊँचा है तो यहाँ पर हवा भी बहुत ज़्यादा मिलेगी फ्रेश एयर भी मिलेगी सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस तो धीरे धीरे क्योंकि ऊपर उड़ रहा था तो धीरे धीरे वो डिसेंड करने लगा नीचे उतर के वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में आ गया ठीक है वहाँ पे उस वो लैंड किया उसने आई हैव अ गोल्डन बेडरूम तो वो कहता मैं तो गोल्डन बेडरूम पे सोऊंगा ही सेड सॉफ्टी टू हिमसेल्फ एज ए लुकड अराउंड जब आस पास उन्हें देखा कहता मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है गोल्डन बेडरूम क्योंकि उसके जो हैप्पी प्रिंस था उसकी पूरी बॉडी पे फाइन लीव्स के फाइन गोल्ड के लीव्स लगे हुए थे एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप और उसने अब तैयारी करने लगा कि मैंने तो सोना है बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम तो जब वो अपना हेड अपने विंग्स के अंदर डाल ही रहा था नीचे कर रहा था सोने के लिए इफ़ यू नो कि जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं अपना जो हेड होता है उसको अपने विंग्स के अंडर छिपा के फिर सोते हैं ठीक है तो वो भी अपनी ऐसे ही तैयारी कर रहा था कि अपना हेड जो है वो विंग्स के अंदर करने लगा था कि जब क्या हुआ अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फैलॉन हिम तो उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की ड्रॉप गिरती है वॉट अ क्यूरियस थिंग वो कहता है ये क्या स्ट्रेंज सी चीज़ है क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज तो वो कहता है ये क्या अजीब सी चीज़ है ठीक है ही क्राइट देर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई के ऊपर तो कोई भी स्काई में तो कोई बादल है ही नहीं एंड स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट और जो सितारे हैं स्टार्स हैं वो भी बहुत अच्छे से चमक रहे हैं एंड येट इट इज़ रेनिंग फिर भी बारिश हो रही है फिर वो अभी सोच ही रहा था देन अनदर बॉल फेल अलदर ड्रॉप फेल और उस टाइम पे क्या हुआ एक और बेल एक और जो ड्रॉप थी पानी की वो उसके ऊपर गिरे वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ आई इट कैंट कीप द रेन ऑफ फिर वो सोचने लगा क्या फ़ायदा है ऐसे स्टैचू का भी जो रेन को परे ना कर सके मतलब रेन से मुझे बचा ही ना सके ही सेट आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट मुझे किसी चिमनी पॉट के को देखना चाहिए और वहाँ जाके सोना चाहिए एंड ही डिटन माइंड टू फ्लाई अवे और उसने सोचा कि मैं तो अब जाता हूँ उड़ता हूँ और कोई चिमनी ढूंढता हूँ बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल अब अपने विंग्स दोबारा खोलने ही वाला था उड़ने के लिए कि उसके ऊपर एक और ड्रॉप गिरी एंड ही लुक अप एंड सॉ और उसने ऊपर देखा और देखा आ वट डिड ही सी उसने क्या देखा द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फील्ड विद टीयर्स अब जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का उसकी आंखों में आंसू थे आंसू भरे हुए थे एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स उसकी गोल्डन चीक्स के नीचे ड्रॉप्स गिर रही थी हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी उसका फेस उसमें मून लाइट में इतना अच्छा लग रहा था इतना सुंदर लग रहा था कि लिटिल स्वेलो जो छोटी बर्ड था छोटा बर्ड था उसको क्या हुआ उसको उस पर तरसाने लगा हुआ ही सेड उसने पूछा तुम कौन हो आई एम दैप्पी प्रिंस वो कहता मैं तो हैप्पी प्रिंस हूँ एज सुन एज द बर्ड लुकड अब ही सॉ दट द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैचू वॉर फिल्ड विद टीयर्स तो जैसे ही उसने ऊपर देखा उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है उसकी आँखों स्टैचू की जो आँखें हैं उसमें आंसू भरे हुए हैं दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर वॉर द टीयर ड्रॉप्स फॉलिंग ऑफ द स्टैचूज गोल्डन चीक्स यही पानी की बूंदें थीं जो उसकी गोल्डन चीक से नीचे गिर रही थी मतलब जो स्वेलो को क्या लग रहा था कि ये क्या है रेन ड्रॉप्स वेन स्वेलो लुक डेट द हैपी प्रिंस फेस इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इन द मून लाइट जब वो उसके चेहरे को हैप्पी प्रिंस के चेहरे को मून लाइट में देख रहा था तो उसे वो उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था द लिटिल बर्ड्स heart वॉज फिल्ड विद pity for फॉर द statue. स्टैचू अब रोता हुआ स्टैचू देख के उसकी आँखों दिल में उसके लिए दया आ गई ए इट आज द स्टैचू दैट हु इट वॉस तो स्टैचू से उसने पूछा कि किसकी वजह से तुम रो रहे हो द स्टैचू रिप्लाइड दैट इट वॉज द हैप्पी प्रिंस वाई आर यू वीपिंग देन आज द स्वेलो फिर स्वेलो ने उसे पूछा तुम क्यों रो रहे हो यू हैव ड्रेंच क्वाइट ड्रेंच में रो रो के कहता तुमने तो तुम मुझे गीला भी कर दिया ड्रेंच क्या कर होता है ड्रेंच का मतलब होता है गीला करना ठीक है तो वो कहता तुम रो क्यों रहे हो अगर हैप्पी प्रिंस हो तो तुमने तो तुम मुझे रो रो के गीला कर दिया

मैं ज़िंदा था मैं एक ह्यूमन मेरा हार्ट था मतलब मेरे पास भी एक दिल था ह्यूमंस वाला तो मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं क्योंकि मैं पैलेस में रहता था और किसी भी दुख को मेरे हमारे पैलेस में अंदर आने की परमिशन नहीं थी माई कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस मेरे जो दरबारी थे ठीक है वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते बुलाते थे एंड हैप्पी इन आई वॉज और कहता सच में मैं बहुत खुश रहता था सो so, आई लिफ्ट एंड सो आई डाई मैं खुश ही जिया और खुश ही मर गया एंड नाउ दैट आई एम डेट दे हैव सेट मी अपर सो हाई देट आई कैन सी द अग्लीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी वो कहता अब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतनी ऊँची जगह पर बना दिया मेरा स्टैचू कि यहाँ से मुझे अपने पूरी सिटी की गंदगी और दुख दिखाई दे रहा है एंड धाओ माय हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप तो मैं फिर भी मेरा दिल चाहे अब जो बनाया हुआ है वो लेड का बनाया हुआ है बट मैं उसको चुन नहीं सकता उसका कुछ कर नहीं सकता पर रो सकता हूँ मतलब अपने दिल के साथ कंट्रोल नहीं कर सकता मगर बस सिर्फ रो ही सकता हूँ वॉट इज इ नॉट सॉलिड गोल्ड वो कहता तुम क्या तुम सॉलिड गोल्ड के नहीं हो वो अपने आप में सोचता है सर द स्वेलो टू हिम सर वो स्टू प्लाई टू मे कैन ई पर्सनल रिमार्क तो वो उसने बट उससे पूछा नहीं कुछ भी ऐसे फार अवे ही कॉन्टीन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस उसने धीरे से बोला कि बहुत दूर फार अवे इन अ लिटल स्ट्रीट देर इज़ द पुअर हाउस बहुत दूर छोटी सी गली में एक छोटा सा गरीब का घर है वन ऑफ द विंडोज इज ओपन उसकी जो विंडोज़ हैं उनमें से एक खुली हुई है एंड थ्रू एज आई कैन सी ए वन सूटेड एट सीटेड एट ए टेबल वहाँ पे मुझे एक औरत दिखाई दे रही है जो कि टेबल के ऊपर बैठी हुई है हर फेस इज़ थिन एंड वोन वोन मीन्स वो थकी हुई है ठीक है मतलब मुरझाया हुआ है बूढ़ी हो चुकी है उसका जो फेस है वो पतला सा है और मुरझाया हुआ है मतलब Uh, उसके ऊपर रिंकल्स हैं एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड उसके जो हाथ हैं वो रफ से हैं हाथ रेड हैं ऑल प्रिकल्ड प्रिकड बाय द नीडल सारे के सारे नीडल की वजह से प्रिक हो गए हैं प्रिक मीन्स जब कोई चुपती है छुप चुप के जब कोई सुई आपके फिंगर में बार बार छुपती रहती है तो वहाँ पे क्या होता है रफ सी स्किन हो जाती है फॉर शी इज़ ए सेम स्ट्रेस और उसके हाथ ऐसे क्यों हो गए उसकी uh, हाथ क्यों ऐसे हैं क्योंकि शी इज़ ए सेम स्ट्रेस सेम स्ट्रेस क्या होती है ऐसे पर्सन जो आ, ऐसी लेडी जो के कपड़े स्टिच करती है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस, ठीक है जो अपना जीवन का गुजारा स्टिचिंग करके करती है शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर तो अब ये वो क्या कर रही है वो एक सैटिन गाउन के ऊपर जो कि एक क्वीन की एक मेड की है जो सबसे बड़ी ऊंची मेड है मतलब सबसे उसके करीबी मेड है क्वीन की उसके लिए वो सैटिन गाउन के ऊपर फ्लावर्स एम्ब्रॉयड कर रही है ठीक है टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल क्योंकि उसने क्या करना है नेक्स्ट बॉल में उसने डांस करना है इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग रूम के कॉर्नर में उसका बेटा जो है छोटा सा बेटा जो है वो बीमार लेटा हुआ है ही हैज़ अ फीवर उसको बुखार है इन आस्किंग एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हर हिम ऑरेंजेस और वो अपनी मदर को बोल रहा है कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम अब उसकी मदर के पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए बट रिवर वाटर और उसके पास सिर्फ रिवर का पानी ही है उसको देने के लिए सो ही इज़ क्राइंग इसलिए वो जो छोटा लड़का है वो रो रहा है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट रूबी आउट ऑफ माई स्वर्ड हिल्स तो वो कहते तुम अब, अब हैप्पी प्रिंस जो है वो उसको स्वेलो को क्या बोल रहे हैं कि तुम एक काम करोगी मेरी जो स्वॉर्ड हेल्ट में रूबी है ऐसे करो उसको निकाल को उसको दे दो माई फीट आर फास्ट टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव मेरे जो पैर हैं वो इस पेडेस्टल के साथ बंधे हुए हैं इनके साथ जकड़े हुए हैं और इसकी वजह से मैं मूव नहीं कर सकती पेडेस्टल क्या है वो जो जिस पे उसको ऐसे खड़ा किया हुआ है ऐसे वो जो बनाया हुआ टावर सा जिसके ऊपर हैप्पी प्रिंस का वो है उसको हम इस वाले पोर्शन को हम पेडेस्टल बोलते हैं तो वो कहता है मेरा तो पैर जो है इसके साथ बंधे हुए हैं और मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता आई एम वेटेड फॉर इन एजिप्ट सेट द स्वेलो स्वेलो कहती मेरा तो सभी वेट कर रहे हैं इजिप्ट में माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नायल मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो नायल तक पहुंच चुके हैं एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर और वहाँ के जो बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स हैं मतलब नाइल में जो फ्लावर्स हैं लोटस फ्लावर उगे हुए हैं उनसे बातें कर रहे हैं मतलब वहाँ से गुजर रहे हैं सून दे विल गो टू स्लीप और जल्दी ही वो तो सो भी जाएंगे द प्रिंस आज द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर तो प्रिंस उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक रात मेरे साथ रुक जाओ और मेरा ये काम कर दो द बॉयज सो थर्स्टी एंड द मदर सो sad. ही सेड कि जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है और मदर बहुत दुखी है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ वो कहता मुझे तो नहीं लगता मुझे लड़के पसंद हैं आंसर द स्वेलो आई want टू गो टू इजिप्ट कहता स्वेलो का ये कहने का मतलब क्या है कि उसको इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो कहता मैंने तो सुबह वहाँ जाना है मैंने तो फ्लाई करना है और मैंने कल इजिप्ट जाना है बट द हैप्पी प्रिंस लुकड सो सा द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी अब बट जो हैप्पी प्रिंस था वो तो बहुत दुखी लग रहा था और लिटिल स्वेलो को उस पर तरस आ गया इट इज़ वेरी कोल्ड हीयर ही सेन बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हीस मिसेंचर ओ कहते हैं यहाँ पे ठंड तो बहुत है स्वेलो ने कहा बट उसने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं एक रात के लिए हैप्पी प्रिंस के साथ रुक जाता है जाएगा और उसका मैसेंजर बन जाएगा थैंक यू लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस और प्रिंस ने उसको थैंक यू बोला द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस वार्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन तो उसने क्या करा उसके स्वॉर्ड में से जो रूबी थी उसको निकाला एंड उसके साथ उस रूबी को अपनी बीक में पकड़ के घरों की छतों के ऊपर से जाने लगा ही पास बाय द कैथेड्रल टावर कैथेड्रल क्या होता है कैथेड्रल एक चर्च होता है ठीक है और चर्च के जो टावर होता है उसके ऊपर वाइट कलर मार्बल्स के मतलब बने होते हैं एंजल्स बने होते हैं कि जो चर्च के चर्च के ऐसे चर्च बना हुआ है ठीक है सपोज हियर इज द चर्च चर्च ऐसा होता है उसके टावर होता है ना उस पर क्या होता है उस पर एंजल्स बने होते हैं ऐसे दो तीन जो कि मतलब मैसेंजर कह लो या कुछ भी ऐसे बने होते हैं उसको कैथीड्रल कहते हैं वेयर द वाइट मार्बल एंजल एंजलवर्स ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग वो पैलेस के पास से गुज़रा और उसको आवाज़ सुनाई दी डांस की कि वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं अब ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद लवर तो वो अपने लवर के साथ जो गर्ल है जिसने उसके साथ अपने गर, लवर के साथ डांस करना है जिस लड़की ने जिसके लिए ने अपनी वो ड्रेस बनाने के लिए उसको सीम्स ड्रेस को दी हुई है वो लड़की बाहर बालकनी में आती है अपने लवर के साथ आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉन वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है वो टाइमली रेडी हो जाए आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट बट सीम सीम स्ट्रेस आर सो लेजी वो कहती मैंने ऑर्डर किया हुआ है कि इसके ऊपर फ्लावर्स बनाए हैं मेरे ऊपर ड्रेस के ऊपर बट जो सीम स्ट्रेस हैं ट्रेल ड्रेस हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी है और मुझे लगता नहीं वो टाइमली काम ख़त्म करेंगी ही पास ओवर द रिवर एंड सॉ हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप मास्ट क्या होती है जो शिप के ऊपर ऐसा कपड़ा लगा होता है आ, शिप के ऊपर ऐसे जब कपड़ा लगा होता है उसको हम मास्ट बोलते हैं ठीक है ऐसे कपड़ा बनना होता है वेच। ऐसे शिप के ऊपर कपड़ा बना होता है ताकि उसको सेल को हवा मिलती रहे बोर्ड को और वो मूव करती रहे तो वहाँ पे क्या थी यहाँ पे लेंट्रंस हैंग की हुई थी ठीक है तो एट लास्ट जब वो वहाँ से रिवर के पास से गुजरा तो वहाँ पे जो वा... शिप्स थी उनमें लैंट्रंस लगी हुई थी हैंग करी हुई थी एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक इन और लास्ट में वो पुअर वुमेन के घर पे पहुंचा और अंदर देखा देन ही सॉ दॉय वॉज टोसिंग फिवरिशली ऑन हिज बेड उसने देखा जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा बीमार अपने बेड पर पड़ा हुआ था एंड द मदर हैड फॉलन ए स्लीम सो वॉ शी वॉज सो टायर्ड और मदर इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि वो अपने बेड पर सो गई थी इन ही होप वो अंदर गया एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वमेंस थिम्बल थिम्बल क्या होता है ये जो चीज़ है इसको हम थिम्बल बोलते हैं जिसको कि सीम ट्रेसिस हैं या जो भी हैं उसको अपनी फिंगर्स पे पहनते हैं सो so दैट जो आ, नीडल्स है वो, जो हैं वो उनके जो हैंड्स हैं या उनकी फिंगर्स को प्रिकल ना करें ठीक है तो वो जहाँ पे वुमेन का वो पड़ा हुआ था वुमेन का थिम्बल पड़ा हुआ था उसके साथ ही टेबल पे उसने क्या किया वो रख दिया रूबी रख दी दैन ही फ्लू जेंटली राउंड द टेबल तो वो टेबल के पास से जेंटली राउंड द बेड बेड के पास से गुजरा फनिंग दॉयज फॉर हैड विध हिज विंग्स और विंग्स से अपने वो जो लड़का था उसको हवा दी हाउ कोल आई फील सेट द बॉय वो लड़का सोचता है मैं अब मुझे कितनी ठंड लग रही है मतलब मुझे ठंडा फील हो रहा है आई मस्ट बी गेटिंग बेटर तो मुझे शायद मैं ठीक हो रहा हूँ एंड ई सैक्ट इंटू अ डिलीशियस स्लंबर स्लंबर मीन्स स्लीप तो मतलब वो सो गया sank इन टू मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वो अच्छी सी मीठी नींद में सो गया देन द स्वेलो back बैक टू happy प्रिंस एंड टोल्ड him वॉट ही had डन तो स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसे बताया कि उसने क्या किया इट इज़ क्यूरियस ही remarked बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड वो कहता है बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि मुझे अब गर्मी आ रही है मुझे गर्म लग रहा है जबकि इतनी ज़्यादा ठंड है दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सर द प्रिंस प्रिंस कहता है तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेले स्लीप और जो छोटी स्वेलो थी स्वेलो था उसने क्या किया उस वो सोचने लग गया और वो सोचते सोचते सो गया थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी क्योंकि जब भी वो सोचता था उसको नींद आ जाती थी वेन डे ब्रोक ही फ्ल्यू डाउन टू द रिवर एंड बाथ जब सुबह हुई तो वो नीचे की तरफ आया और उसने रिवर की तरफ गया वहाँ पे उसने नहा अपना नहाना किया मतलब नहाया वो टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेट द स्वेलो स्वेलो कहता है आज तो मैं पक्का अपने इजिप्ट जाऊंगा एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट तो हाई स्पिरिट मीन्स बहुत ज़्यादा खुश प्रोस्पेक्ट ऑफ मीन्स थाट ऑफ समथिंग वो ये चीज़ को सोच के बड़ा खुश हो रहा था कि मैं अब जाऊँगा नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेलो बर्ड वेंट टू द रिवर एंड टुक बार एंड थाट दैट द नाइट वुड बी दैट ही वुड रीच ए जेप ई वॉज़ वेरी हैप्पी ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल तो जब उसने नहा लिया ये सोच के उसके बाद उसने क्या किया वो अपने उसने सारे मोन्यूमेंट जितने मोन्यूमेंट थे हर जगह विजिट किया और उस वो, एक चर्च के ऊपर स्टीपल मीन्स जो उसका टावर होता है चर्च का वहाँ पर उसने बैठ के सारे मोन्यूमेंट्स को ऑब्जर्व किया मॉन्यूमेंट्स मीन्स बिल्डिंग्स वहाँ की वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस जब रात हो गई मून आ गया तो वो दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास गया हैव यू एनी कमीशंस फॉर एजेप ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग कहता तुमने कोई चीज़ मंगवानी है इजिप्ट से या तुम्हें कोई मैसेज पहुँचाना है वहाँ पे इजिप्ट में क्योंकि मैं जस्ट उड़ने वाला हूँ स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर तो वो फिर हैप्पी प्रिंस उसे बोलता है स्वेलो स्वेलो कि तुम मेरे साथ एक और रात रह लो आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो स्वेलो कहता मुझे तो सभी मेरा इजिप्ट में वेट कर रहे हैं स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट तो यहाँ पे गैरेट का मतलब क्या है स्मॉल डार्क रूम एक बहुत छोटा सा रूम चूँकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे ठीक है जो कि घर के ऊपर वाली मतलब घर सब से सबसे ऊपर घर में सबसे ऊपर हूँ तो वो कहता मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है यंग मैन जो कि कैरेट में है मतलब अंधेरे वाले कमरे में बैठा हुआ है ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क वो एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है कवर्ड विद पेपर और उसके डेस्क के ऊपर क्या पड़े हुए हैं पेपर ही पेपर पड़े हुए हैं एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स विदर्ड मीन मुरझाए हुए तो वो कह रहा है कि उसके जो टेबल की साइड पे क्या हुआ है एक ग्लास पड़ा हुआ है जिसमें कि कुछ एक वायलेट्स पड़े हुए हैं जो कि मुरझाए हुए हैं और वो इस तरह से एक लड़के के बारे में उसे बता रहा है हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प उसके जो बाल हैं वो ब्राउन है और क्रिस्प हैं एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पामिक्रेनेट और उसके रिप लिप्स इतने रहते हैं जैसे कि पामिग्रेनेट होता है एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं जिसमें सपने भरे हुए हैं ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर वो एक प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है जो कि एक थिएटर के डायरेक्टर ने उसे लिखने को बोला है बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एन मो बट वो इतना ही ठंड फील कर रहा है उसको इतनी ठंड लग रही है कि वो उससे लिखा ही नहीं जा रहा है देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट तो बिल्कुल भी जो फायर प्लेस है ग्रेट क्या होती है फायर प्लेस मतलब जहाँ पे एक चिमनी सी जहाँ पे आग जलाने के लिए जगह बनाई होती है तो वहाँ पे बिल्कुल भी आग नहीं है एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट फेंट होता है बेहोश होना तो हंगर की वजह से वो बेहोश हो रहा है आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो तो स्वेलो कहता है ठीक है मैं एक और रात तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ हु रियली हैड अ गुड हार्ट जिसका कि दिल बहुत अच्छा था ही आज इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट प्ले राइट कौन होता है जो एक स्टोरी लिखता है या ड्रामा लिखता है उसको प्ले राइट बोलते हैं तो वो कहता उसने उससे पूछा कि ये जो तुम्हारी दूसरी रूबी है उसको भी ले जाऊँ उस प्ले राइट को देने के लिए लास्ट आई हैव नो रूबी नाउ वो कहता अब तो मेरे पास कोई रूप भी नहीं है सेट द प्रिंस माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट मेरे पास तो अब सिर्फ आईज़ ही बची हैं जो कि मैं दे सकता हूँ दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स तो अब मेरे पास जो आइज़ हैं वो रेयर मतलब दुर्लभ है आराम से मिलती नहीं है बहुत मुश्किल से मिलती हैं सफ़ायर्स की बनी हुई हैं विच वर ब्रॉड आउट ऑफ इंडिया अ थाउजेंड यर्स अगो जो कि इंडिया से लाई गई थी बहुत हज़ारों साल पहले ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ तेम उसने स्वेलो को कहा कि इनमें से एक निकालो एंड टेक इट टू द्ले राइट और प्ले राइट को दे आओ ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिशेज प्ले तो वो क्या करेगा ये ज्वेलर को बेच देगा और वह अपने लिए लकड़ियाँ ख़रीद लाएगा और अपना प्ले ख़त्म कर देगा ही सेट डियर प्रिंस सेट द स्वेलो आई कैन वू दैट एंड यू बिगेन टू वे और कहता है प्रिंस मैं ये नहीं कर सकता और उसने क्या किया रोना शुरू कर दिया स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस डू एज आई का मांच यू वो कहता है जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा करो सो दैट स्वेलो प्लॉक्ट आउट द प्रिंस आए तो उसने स्वेलो ने उसकी आँख में से प्रिंस की एक आंख में से सफ़ायर निकाला एंड फ्लू अवे टू द यंग मैनस कैरेट और उस यंग मैन के डार्क रूम में चला गया इट वॉज़ ईजी इनफ टू गेट इन उसके अंदर जाना बहुत ईजी था एज दे वॉज अ होल इन द रूफ क्योंकि छत में एक जगह थी होल बना हुआ था थ्रू दिस ही डार्टेड डार्टेड मीन्स एंट धक्का दे के अंदर गया उसको पुश करके वो अंदर गया वेट। वो so, उसको डार्ट करके पुश करके वोट वॉट्स डार्ट मीन्स पुश करके वो अंदर गया एंड केम इन टू द रूम द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड्स तो यंग मैन ने क्या करा हुआ था अपनेड हैड, को अपने हैंड्स में बरी करा हुआ था मतलब अपने हेड को ऐसे नीचे करके उसके ऊपर हाथ हर रखे हुए थे ऐसे अपने हैंड्स रखे हुए थे मतलब उसको ढका हुआ था एक तरह से सो ही डिन नॉट ही द फटर फ्लटर मीन्स उसके विंग्स की जो आवाज़ थी खड़खड़ -खड़ की आवाज़ थी उसको वो सुनाई नहीं दी एंड ही वेन ही लुकड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विलेट्स विदर्ट मीन्स मुरझाए हुए तो जब उसने ऊपर देखा तो उसको मुरझा हुए वायलट्स के ऊपर क्या पड़ा मिला ब्यूटिफुल सफ़ायर जो कि प्रिंस की एक आई थी बिगिनिंग टू बी अप्रीशिएटेड ही क्राइड वो कहता मेरा शायद लोगों को काम पसंद आना शुरू हो गया है दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट आई एडमायर शायद ये किसी प्रशंसक को जिसको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया शायद उसने दिया है नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले अब मैं अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ एंड ही लुक क्वाई हैप्पी अब वो बहुत खुश नज़र आ रहा था द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर नेक्स्ट डे जो स्वेलो था वो हार्बर गया हार्बर का क्या होती है जहाँ पे शिप्स जो हैं वो लोड की जाती हैं ठीक है ठीके? और जाती हैं आती जाती हैं वहाँ पे उसको हार्बर बोलते हैं ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेस्टर वो एक बड़े से बोर्ड के ऊपर बैठा आ, उसके मास्ट के ऊपर एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग और सेलर्स को काम करते हुए देख रहा था आई एम गोइंग टू इजिप्ट cried the swallow but nobody minded and when the moon rose he flew back to the happy prince aur और वो कहने लगा कि मैं तो आज इजिप्ट जाऊँगा मगर किसी को nahi tha था कि वो वहाँ baitha बैठा हुआ है और जब मून आया दोबारा वो फिर से prince ke के पास पहुँचा have हैव कम टू बेट यू गुड बाय ही क्राइड वो कहता मैं तुम्हें बाय बाय कहने के लिए आया हूँ कि मैं तो अब जा रहा हूँ स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो सैट द प्रिंस तो प्रिंस उसको बोलता है स्वेलो स्वेलो विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर तो तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रहोगे इट इज़ विंटर आंसर दट स्वेलो स्वेलो कहते अब तो विंटर आ गई है एंड द स्नो विल सून भी देर और यहाँ पर बहुत जल्दी क्या हो जाएगी स्नो फॉल भी होएगा बर्फ जम जाएगी इन इजिप्ट द सन इज़ वॉर्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज और इजिप्ट में अभी गर्मी है और वहाँ पर पाम ट्रीज़ हैं एंड द क्रोकोडल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट दैम और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो धूप सेकते हैं वहाँ पे मड में और वो बहुत ज़्यादा धूप की वजह से वो लेजी फील करते हैं इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस कहता नीचे स्क्वायर में देयर स्ट्रैंड्स अ लिटिल मैच कर वहाँ पे एक छोटी सी मैच कर्ल है शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर उसकी जो मैस्टिक्स हैं मैचेस हैं वो सारी क्या हुई हैं गटर में गिर गई हैं एंड दे आर ऑल स्पॉय और वो सारी ख़राब हो गई हैं हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी उसके फ़ादर उसकी पिटाई करेंगे अगर वो घर कुछ पैसे लेके नहीं गई एंड शी इज़ क्राइंग और इसी वजह से वो रो रही है शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग ना उसके पैरों में शूज़ हैं ना ही सॉक्स हैं एंड हर लिटल हेड इज़ बैर और उसके सर पे भी कुछ नहीं है उसको सर पर भी ठंड लग रही होगी प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर मेरी दूसरी आँख में निकालो और उसको दे दो एंड हर फादर विल नॉट बीट हर और उसके फादर जो है उसकी पिटाई नहीं करेंगे आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो वो कहता मैं तुम्हारे साथ एक और रहता रहूँगा बट आई कै नॉट प्लक आउट योर आई मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन तुम्हें तो कुछ भी दिखना ही बंद हो जाएगा तुम अंते हो जाओगे स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस डू हैज आई कम माच यू तुम वैसा करो जैसा मैंने तुम्हें बोला है सो ही प्लग डाउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट डार्टेड मीज उड़ना और वो क्या हुआ उसके साथ पुश उसको दूसरी आँख को निकाल के वो उड़ गया ही सूप्ड पास द मैच गर्ल उसके जो मैच गर्ल थी उसके पास से वो बहुत नीचे से गुजर के गया उड़ के गया एंड स्लिप द ज्वेल इन टू हर द पाम ऑफ हर हैंड वो इतना नीचे उड़ के गया कि वो उस लड़की के जो छोटे हाथ था उसमें उसने जो ज्वेल था जो सफ़ायर था दूसरा वो उसके हाथ में रख दिया वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइ द लिटिल गर्ल कहते ये क्या छोटा सा टुकड़ा प्यारा सा टुकड़ा है ग्लास का शी रैन होम लाफिंग और वो खुश से हंसती हंसती अपने घर चली गई देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस फिर स्वेलो जो है वो प्रिंस के पास वापस आता है यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज कहते हो तुम तो अब अंधे हो गये हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा नो लिटल स्वेलो सट दुअर प्रिंस प्रिंस कहता नहीं तुमने ऐसा नहीं करना है यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेट द स्वेलो स्वेलो कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा एंड ही स्लैप्ट इन द प्रिंस फिट और प्रिंस के पैरों में वो सो गया ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज वो वॉट ही है इन स्ट्रेंज लैंडस सारा दिन वो यहाँ वहाँ घूम के आगे दिन अगले दिनों में उसने क्या किया वो Uh, उसको स्टोरीज सारा जो भी सारा दिन में वो चीज़ें देखता था वो सारी उसको रात के टाइम पे उसके शोल्डर पे बैठ के बताता था डियर लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मारवेलेस थिंग्स बट मोर मारवेलेस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन तुम मुझे वो कहता है कि तुम सारी हमेशा मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हो मगर उनसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो हैं जब मुझे ये पता चलता है कि जो कौन से आदमी और औरतें दुखी हैं देर इज़ नो मिज़री सो ग्रेट एज मिज़री सो एज ए ग्रेट एज मिज़री तो कोई भी इतना बड़ा रहस्य नहीं है जितना कि मिज़री है मतलब दुख है फ्लाई ओवर माई सिटी मेरी सिटी के ऊपर उड़ो लिटिल स्वेलो एंड छल मी यू सी सीधा और वहाँ पे जो भी देखो मुझे बताओ सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी इतनी बड़ी सिटी के ऊपर से वो गुजरता है एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन द ब्यूटिफुल हाउसेज और देखा जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में क्या कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं खुश हो रहे हैं वाइल द बैगर्स आर वर सिटिंग एट द गेट्स और जो बैगर्स हैं भिकारी हैं वो उनके गेट्स पे बैठे हुए हैं ही flew इन टू डार्क लेंस जो अंधेरी गलियाँ थी वो उधर उड़ के गया एंड सो दाइट फेसिस ऑफ स्टाविंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट और उन बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के वाइट फेसेस दिखाई दिए जो कि वाइट फेस क्यों हो गए थे भूख की वजह से उनके जो फेस थे वो वाइट हो गए थे लिस्टलेसली uh, at द ब्लैक स्ट्रीट्स अंधेरी गलियों में उनको कोई जानता नहीं था कोई उनकी केयर नहीं करता था अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज आर्चवे क्या होता है ये वाला ठीक है तो इस ब्रिज के मतलब ब्रिज का जो आर्चवे था उसके नीचे टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप दैम सेल्व कॉम तो दो लड़के थे जो एक दूसरे को कि आर्म्स में पड़े हुए थे मतलब एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे ताकि एक दूसरे को गर्म कर सके और सर्दी से बच सके हाउ हंग्री वी आर दिस सेट कहते तुम हम कितने हमें भूख लग रही है यू मस्ट नॉट लाई हेयर तुम्हें यहाँ पे नहीं सोना चाहिए शाउटेड द वॉच मैन वॉचमैन चिल्लाता तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन टू द रेन और वो बाहर बारिश में आ गए देन ही फ्लू बैक एंड टोल द प्रिंस वट ही हैड सीन तो जो स्वेलो है वो देख के ये सारा देख के प्रिंस के पास चला जाता है आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सर द प्रिंस प्रिंस कहता है कि मेरे ऊपर फाइन गोल्ड की लीव्स लगे हुए हैं यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर तुम एक एक लीव ये करके उतार के गरीबों को दे दो द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी और जीना जीने के लिए जो गोल्ड है वो अच्छा है मतलब गोल्ड से सभी चीज़ें खरीदी जा सकती है और उससे खुशी मिलती है लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिकड ऑफ और एक एक लीफ करके सारे के सारे स्वेलो ने उतार दिए टिल हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे तब तक वो उतारता रहा जब तक कि वो बिल्कुल ग्रे कलर का सीमेंटेड नहीं हो गया डल बोर मतलब बिल्कुल भद्दा सा लगना नहीं शुरू हो गया लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉड टू द पुअर और पुअर को जाके गरीबों को दे दिए एंड द चिल्ड्रेंस फेसिज ग्रीव रोज ईयर और जो बच्चों के फेस थे वो रेड होने शुरू हो गए एंड दे लाफ्ट एंड प्लेड इन द स्ट्रीट और वो खुश होते खेलते स्ट्रीट में वी आर ब्रेड नाओ वी हैव ब्रेड नाओ कि हमारे पास अब रोटी है वो चिल्लाने लगे वो खुशी से बोलते हैं कि अब तो हमारे पास खाना है हम खा सकते हैं हम भूखे नहीं मरेंगे देन द स्नो के फिर स्नो फॉल होता है एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्र फ्रॉस्ट और उसके बाद स्नो के बाद फ्रोस्ट आ गया कोहरा आ गया द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ देवर मेड ऑफ सिल्वर और स्ट्रीट ऐसे लग रही थी जैसे कि वो सिल्वर की बनी हो चांदी की बनी हो एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स सभी ने फर के कपड़े पहन लिए अपने आप को वार्म करने के लिए एंड द लिटिल बॉयज़ वर्ल्स कार्लेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस और जो छोटे लड़के थे वो क्या करते उन्होंने स्कॉलेट कैप्स पहन ली रेड कैप्स और वो पहन के वो आइस पे स्केट करते हैं द पुअर लिटल स्वेलो ग्री कोल्ड एंड कोल्ड तो जो छोटी स्वेलो थी स्वेलो था सॉरी वो उसको ठंड और ही ठंडी ठंड लगे जा रही थी बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस बट उसने डिसाइड किया हुआ था कि वो प्रिंस को नहीं छोड़ेगा ही लव हिम टू वेल क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था He picked up crumbs outside the baker's door. तो बेकर के डोर के बाहर कुछ एक ब्रेड के क्रम्स पड़े हुए थे छोटे छोड़ छोटे टुकड़े वेन द बेक वॉज नॉट लुकिंग जब बेकर उसको देख नहीं रहा था एंड ट्राई टू कीप हिम सर वॉर्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स और उसने क्या किया वो उठाए क्रम्स को और उनको खाया और अपने विंग्स को फ्लैप करके फड़, फड़ करके हिला के वो अपने आप को गर्म करने की कोशिश करने लगा बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई बट अब उसे पता था कि वो मरने वाला है ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर अब उसके पास सिर्फ इतनी सी हिम्मत ताकत बची थी कि वो प्रिंस के शोल्डर के ऊपर उड़ के जा सके गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्म वो धीरे से उसको बोलता है गुड बाय विल यू लेट मी किस योर हैंड तो मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारे हैंड को किस कर सकूँ नाउ वेन दिस वेलो इज़ अबाउट टू डाई ही सेज टू द हैप्पी प्रिंस दैट कैन आई किस योर हैंड आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस तो प्रिंस उसे बोलता है कि आई एम मैं खुश हूँ कि तुम फाइनली अब इजिप्ट जा रहे हो यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट केस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू तुम यहाँ पे बहुत देर रही हूँ बट तुम मुझे लिप्स पे किस करो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग वो कहता मैं इजिप्ट नहीं जा रहा सेट द स्वेलो आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ मैं तो हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ डेथ इज़ ब्रदर ऑफ स्लीप इज इज नॉट तो जो डेथ है वो तो स्लीप का ब्रदर है एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट और उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस की और उसके पैरों पे गिर गया एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू अब अजीब से उसके बॉडी uh, के अंदर जो स्टैचू था उसके अंदर एक अजीब सा क्रैक की आवाज़ सुनाई दी एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन ऐसा लगा कुछ टूट गया द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट दैट स्नैप्ड राइट इन टू तो फैक्ट ये था बात असल में ये थी कि उसका जो हार्ट बना हार्ट था हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट मतलब लेड का बना हुआ था वो उसके दो टुकड़े हो गए थे इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ट फ्रोस्ट तो बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ था बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हुई थी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मे वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ स्क्वायर में जैसे गुजर के जा रहा था एज द पास द कॉलम ही लुक डेप एट द स्टैचू जब कॉलम के पास के होके जा रहा था उसने स्टैचू के ऊपर देखा डी मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड कहता हो भगवान बचाई ये हैप्पी प्रिंस कितना गंदा लग रहा है हाउ शैबी इन डीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स टाउन काउंसिलर्स भी कहते हैं हाँ कितना गंदा है ये तो हु ऑलवेज ग्रीटेड द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट वो हमेशा जो उसके टाउन काउंसिलर्स थे वो उसकी हमेशा एग्री उसके साथ ही एग्री करते थे हमेशा उसकी बात को एग्री करते थे और वो ऊपर इसको देखने लग गए द रूबी हैड हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिस वोड और जो वो कहते हैं कि जो उसके रूबी थी वो उसके स्वॉर्ड में से गिर गई है उसकी आइज भी चली गई हैं और बिल्कुल भी अब गोल्डन नहीं लग रहा सेट द मेयर इन फैक्ट ही इज़ ए लिटल बैटर दैन अ बैगर तो वो कहता था ये तो सिर्फ बैगर जैसा ही है थोड़ा उससे बस बेटर है लिटिल बेटर दैन अ बैगर सेट द टाउन काउंसलर्स क्योंकि टाउन काउंसलर्स उसकी बात ही रिपीट करते थे उसके साथ एग्री करते थे तो जैसा वो बोल रहा था वैसे ही वो बोल रहे हैं एंड हेयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फील और हाँ देखो यहाँ पे उसके पैरों में हैप्पी हाँ प्रिंस के पैरों में एक मरा हुआ बर्ड भी है. continued the mayor मेयर वी really रियली इश्यू proclamation that birds बर्ड्स are आर allowed अलाउड टू बी टू here हियर हमें वो कहता मेयर ने कहा कि हमें एक प्रोक्लेमेशन निकालना चाहिए प्रोक्लेमेशन क्या होता है रूल तो ही सेइंग कि हमें एक रूल निकालना चाहिए ऑर्डर पास करना चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ पर मरना अलाउड नहीं है एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन और जो इस सजेशन का एक नोट निकाल दिया गया सो दे पोल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस और उन्होंने हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसको गिरा दिया एस ई इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल क्योंकि अब वो सुंदर नहीं है तो वो यूजफुल भी नहीं है सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी आर्ट प्रोफेसर ने जो यूनिवर्सिटी uh, का आर्ट प्रोफेसर था तो उसने कहा कि जो चीज़ें सुंदर नहीं होती वो किसी काम की भी नहीं होती देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फ़र्नेस फर्नेस क्या होती है भट्टी ठीक है जहाँ पे आग चलाई जाती है तो उन्होंने स्टैचू को मेल्ट किया भट्टी में व्हाट आर स्ट्रेंज थिंग्स एट द ओवर सीयर ऑफ द वर्क्स ऑफ एट द फाउंड्री फाउंड्री क्या होती है फैक्ट्री जहाँ पे के एक ऐसी फायर प्लेस जगह जहाँ पे के चीज़ों को मेल्ट किया जाता है मेटल को मेल्ट किया जाता है ओवरसियर होता है सुपरवाइज़र तो जो सुपरवाइज़र था वो देख के कहता है कि ये कितना अजीब है ये मतलब अजीब सी बात है दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस कि ये जो टूटा हुआ दिल है लेड का ये फर्नेस में मेल्ट ही नहीं हो रहा है वी मस्त हो इट अवे हमें इसे फेंक देना चाहिए सो दे छू इट ऑन अ डस्ट ही तो एक धूल वाले कचरे वाले ढेर के ऊपर उन्होंने वहाँ फेंक दिया उसे वेर द डर्ड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग और वहाँ जहाँ पे ये कॉन्सिडेंट था कि उसका हार्ट भी वहीं पे गिराया गया जहाँ पे स्वेलो ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा हुआ था ब्रिंग मे द टू मोस्ट स्पीशियस थिंग्स इन द सिटी सेट गोड टू वन ऑफ़ हिज एंजल्स तो गॉड ने अपने एंजल्स को बोला कि मेरे मेरे पास सिटी में से कोई दो बहुत कीमती चीज़ें ले कर आओ एंड द एंजल ब्रॉड हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड और जो एंजल था वो उसके लिए क्या ले कर आया गॉड के लिए लेडन का हार्ट और लेडन हार्ट किसका था वो हैप्पी प्रिंस का तो हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट था वो ले कर आया और सेकेंडली जो डेड बर्ड कौन सा था स्वेल लो. So, वो दो ये चीज़ों दो चीज़ों को लेके गया एंजल गॉड के पास तो अब देखते हैं कि गॉड का क्या रिएक्शन था यू हैव राइटली चोजन सेट गॉड गॉड कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ें लाए हो फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर क्योंकि मेरा जो छोटा सा गार्डन है मेरी ये छोटा सी जो दुनिया है स्वर्ग की यहाँ पे छोटा ये बर्ड जो है वो हमेशा गाएगा एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्लेस में और ये जो मेरी सिटी है शहर है गोल्ड का यहाँ पे जो वो है दुनिया है मतलब हैप्पी प्रिंस जो है वो हमेशा मेरी प्रेस करेगा कि मैंने दुनिया ऐसी बनाई और उसे इतना बड़ा दिल दिया सो दिस वॉज द चैप्टर बच्चे आई होप यू लाइक डिट एंड यू इन्जॉयड एंड यू रियली एप्रिशिएट दिस चैप्टर इफ़ यू रियली अंडरस्टुड इफ़ यू रियली एप्रिशिएट एंड इफ स्टिल नो क्वेरी इज लेफ्ट प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स वॉट एवर द क्वेरी इज़ वेदर इट इज़ गुड और बैड आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे इन्जॉय यू डे Enjoy your life. Bye bye.